गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 5 है ये आपका, और इसमें आप लोग चैप्टर 4 का कुछ क्या करेंगे, लैब करेंगे। ओह ठीक है, आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। और लैब करना है आपको वर्किंग विथ स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट, और स्टाइल और ऑब्जेक्ट आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, हमें वर्ड ओपन करना है, तो पता है इसको अगर हम विंडो प्लस आर करें, विंडो प्लस आर, हाँ ऐसे भी हो सकता है, और एक और शॉर्टकट की होता है उसको करके देखते हैं। ठीक है, विंडो प्लस आर, इसमें लिखते हैं वीन वर्ड, WIN वीन और वर्ड। वीन वर्ड से पता है क्या होता है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है। ये आपका एक विंडो प्लस आर है, मतलब इसको ओपन करने का तरीका जो है वो है विंडो प्लस आर, जिससे आता है आपका रन बॉक्स। विंडो और आर बटन को एक साथ प्रेस कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा रन बॉक्स। ठीक है, और उस रन बॉक्स में आप लिखेंगे विन वर्ड। स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, WIN विन और WORD वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका विन वर्ड। अब हम लोग ओके करेंगे या फिर इंटर की प्रेस करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। देखें, चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें, और देखेंगे कि क्या क्या हमें करना है इस ऑप्शन में। तो आप क्या कीजिए, मैं यहाँ पे क्लास 5 लिख देती हूँ, क्योंकि आप जब यूट्यूब पे वीडियो को ढूँढिएगा तो आपको ये दिख जाएगा। वैसे आपको ऊपर हेडिंग में भी मिल जाता होगा, और ये रहेगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और तब तक आप लोग का एक काम है अटेंडेंस बनाना, और दूसरा काम क्या है, पेज नंबर 41 ओपन करना, ताकि आप लोग इसके ऑप्शंस को कर पाएंगे। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे आपका क्लास वगैरह लिख देती हूँ। क्लास हो गया क्लास 5, और इंटर बटन, डेट बता देना, ऊपर में ही कर देते ना। देख रहे हैं, ये मैं अप एरो की प्रेस कर रही हूँ, ये राइट। ठीक है, स्पेस डेट आज हो गया आपका 25 अगस्त है ना जी। मैं यहाँ पे आराम आराम से इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग अपना काम जल्दी करें। ठीक है, देख लिए, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख भी चुके हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो अगर ये आपके YouTube के स्क्रीन पे रहेगा तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा ढूंढना। ठीक है, इसलिए हम भी लिख दिए हैं कि लिख देंगे, आप देख लेंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो है अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल, वो कैसे होगा उसके लिए
शुरुआत क्या करना है हम लोग को? अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल के लिए आप लोग को करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट है सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू अप्लाई स्टाइल। हमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिस पे हम क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ हेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट तो तब करेंगे ना जब हमारे पास टेक्स्ट होगा। तो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की होता है, आप लोग को पता है ना, इक्वल टू रैंड वाला। अब हमारा इसका काम तो फिनिश है। इसको डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं क्या करेंगे, शॉर्टकट की इक्वल टू रैंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ले लेते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है। अब हम लोग को क्या करना है, कुछ सेलेक्ट करना है टेक्स्ट और उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है। पहले वाले लाइन को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओहो, ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखिए, सेलेक्ट तो हम लोग कर लिए। हाँ, ये एक्चुअली आपको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ऑन द होम टैब इन स्टाइल ग्रुप, ऑन द होम टैब, देखिए माउस पॉइंटर ऑन द होम टैब, हम लोग होम टैब में अभी हैं। और कौन सा ग्रुप, कौन सा ग्रुप, जल्दी बताइए कौन सा ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, ये रहा स्टाइल ग्रुप, देख लिए आप लोग। स्टाइल ग्रुप में क्या करना है आप लोग को पता है, तो पता है तो देखिए, सेलेक्ट एनी वन, प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेलेक्ट एनी वन, किसी पे क्लिक कर देना है। चलिए हम लोग किसी पे क्लिक कर देते हैं, हेडिंग फर्स्ट पे करें, देखिए आप लोग चेंजेस, हेडिंग सेकेंड देखिए, हेडिंग थर्ड देखिए, ठीक है, सुटेबल देखिए, सब टाइटल था ये, सब टाइल देखिए, देखिए ये थर्ड नंबर ठीक था। इससे आप लोग क्या समझे, इससे आप लोग बस यही समझे कि जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका हेडिंग का साइज़, कलर सब कुछ अलग होना चाहिए, और उसके नीचे जो बातें लिखी हुई होती है वो अपना एक समान लेटर में रहे, लेकिन जो हेडिंग है वो थोड़ा डिफरेंट रहे, दिखे कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है क्या करना है, उस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है। कहाँ पे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, माउस पॉइंटर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये है माउस पॉइंटर, दिखा आप लोग को, यहाँ है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करना है, इससे पता है क्या होगा, बहुत सारे हेडिंग स्टाइल आप लोग को दिखेंगे, ठीक है। वही बताया गया है कि क्लिक ऑन द स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन, वो लॉन्चर बटन था, ठीक है। ये क्या था, ये लॉन्चर बटन है, ठीक है, ये लॉन्चर बटन है, देखें। अब इसमें से आपको चूज़ करना है हेडिंग फर्स्ट, कोई भी आप ले सकते हैं, ओके, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, जैसा कि आप लोग ये देख ही चुके हैं अब क्या बदलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ, ये देखिए, पहले इसको हम लोग हटा लें। अच्छा, इसको आप समझ गए ना, हेडिंग फर्स्ट, हेडिंग सेकेंड, कुछ भी आप ले सकते हैं, हटा दिए। कर्सर को यहाँ रखते हैं, आते हैं हम लोग इस एरो बटन पे, ये मोर ड्रॉप डाउन एरो बटन है, इसमें से देखिए आप लोग, जैसा जैसा आप लोग लीजिएगा हेडिंग स्टाइल, वैसा आपका टेक्स्ट ये बनता चला जाएगा, ठीक है।
ये देखिए, आई होप आपको चेंजेस नज़र आ रहा होगा। देखें तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, चेंजेस लाए जाते हैं। समझ गए? तो पहला हो गया अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल, ये ऑप्शन आपका कंप्लीट। बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है क्रिएट अ न्यू स्टाइल। नया स्टाइल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, एक नया स्टाइल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अब पहले तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, हटाएंगे। तो कंट्रोल प्लस ए करते हैं और डिलीट बटन प्रेस करते हैं, हो गया हमारा डिलीट। तो इसके लिए भी ये जो क्रिएट अ न्यू स्टाइल है, ये एक्चुअली आपका वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसमें जो भी चीज़ होगा ना वो टेक्स्ट से रिलेटेड ही होगा, तो इसीलिए आपके पास पास सबसे पहले जो है टेक्स्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोग टेक्स्ट कैसे लाते हैं, इक्वल टू रैंड आर ए एन डी शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट और इंटर, टेक्स्ट आ गया। अब आपको करना है क्रिएट अ न्यू स्टाइल, जिसमें आप लोग का पहला जो स्टेप है वो है सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब, दिस ओपन्स द स्टाइल टास्क पेन। इस लाइन को आप लोग समझे, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं समझे फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े थोड़े लाइन को लेकर चलते हैं। थोड़ा सा पहला लाइन में क्या है, मतलब उसी लाइन में पहला जो वर्ड लिखा गया है क्या है, सिलेक्ट द टेक्स्ट। तो चलिए हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, जो कीजिएगा ना वो आपका हो गया। हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए, अब क्या करना है, अब जो करना है वो है क्लिक ऑन द स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। उफ, बुक मेरे से काफ़ी दूर है, इसको नज़दीक ले आते हैं और तब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मेरे सामने बुक है और मेरे नज़दीक में ही है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि होम टैब में आपको एक स्टाइल ग्रुप मिलेगा। ये रहा होम टैब, हम लोग होम टैब में हैं और ये स्टाइल ग्रुप, और इसमें जो क्लिक करना है वो कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ करना है, स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये है स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, वही वाला अभी अभी जस्ट आप लोगों ने जो किया है वही है ये। इसमें क्या करना है, क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल बटन। कहाँ पे मिलेगा भैया न्यू स्टाइल बटन, तो न्यू स्टाइल बटन एकदम नीचे यहाँ पे डबल ए, ठीक है, आपके बुक में भी दिया गया है, इसको हम कहते हैं न्यू स्टाइल। देखिए, जस्ट यहाँ पे माउस का पॉइंटर रखे और वहाँ पे लिख दिया न्यू स्टाइल। अब चलिए क्लिक करते हैं, आ गया हमारे पास लंबा चौड़ा बॉक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, आपके बुक में है, आप उसको गौर से देखिए या फिर यहाँ भी देखिए, आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा। ये है नेम, ये है स्टाइल, ये है स्टाइल बेस्ड ऑन, ये है स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, है ना, यहाँ पे है पैराग्राफ आप देख ही रहे हैं, और ये सारा उसका साइज। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है, क्योंकि बुक में जो ऑप्शन दिया गया है उसका इस्तेमाल पहले कीजिए। न्यू स्टाइल पे क्लिक कर दिए, क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स, ये तो एक्चुअली फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स है ही, क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग। और इस बॉक्स में आपको बोला जा रहा है कि कुछ आप लोग इसमें चेंज कीजिए। ठीक है,
चेंज क्या करना है, टाइप द स्टाइल नेम इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो नेम टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग स्टाइल नेम लिखेंगे। कौन मोबाइल? उसके बाद है फॉर्मेटिंग इफेक्ट अंडर फॉर्मेटिंग सेक्शन। सेलेक्ट न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पल रेडियो बटन दैट इज स्टाइल विल अवेलेबल इन योर डॉक्यूमेंट फॉर यूज़। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ बदलाव लाते हैं। ये सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, यहाँ से साइज चेंज कर लेते हैं 16, और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, जो चेंज यहाँ पे कीजिएगा वहाँ पे वो सिलेक्टेड टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिक ठीक ही है, बाकी सब भी ठीक है। लाइन स्पेसिंग कीजिएगा, ये भी ठीक ही है, वैसे स्पेस आ ही चुका है। और क्या करना है हम लोग को, सब कुछ तो हो ही चुका है। ऑटोमेटिक में क्या है, कलर है, रेड लीजिए, येलो लीजिए, ग्रीन लीजिए। चलिए हम लोग भी रेड ही लेते हैं। हो गया हमारा कंप्लीट, और हम लोग करते हैं फॉर्मेट हो गया ना, लैंग्वेज, बॉर्डर, टैब, पैराग्राफ, फॉन्ट, फॉन्ट में चलिए। अब देखिए सैंपल आपको दिखाया गया है, फॉन्ट में आप फॉन्ट भी ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ओके। ठीक है, चलिए इसको ओके करते हैं, हम तो ले ही चुके हैं। ये देखिए आपका जो ये पैराग्राफ था इसमें बदलाव हो चुका है। आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ में आया होगा। ठीक है, जिस पैराग्राफ को हम लोग सिलेक्ट किए उस पैराग्राफ में ये सारा चेंजेस हो गया। अच्छा, आप जो भी ऑप्शन इसमें लीजिएगा ना, क्रिएट अ न्यू स्टाइल, वो यहाँ पे स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट है ये वर्ड आर्ट, तो चलिए हम लोग इसको पहले क्रॉस करते हैं और तब करेंगे वर्ड आर्ट। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दिए। आप सब जानते हैं कि इसको डिलीट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस ए और डिलीट, समझ गया। अब हमें क्या करना है, वर्ड आर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्ड में जैसे ही कोई ऑप्शन कीजिएगा ना, तो पहले आपके पास टेक्स्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो टेक्स्ट हम लोग कैसे लाते हैं, अच्छा मैं डिलीट कर देती हूँ बार बार, लेकिन आपको पता है कि डिलीट ना भी करे तो नीचे जो टेक्स्ट बचता है और सारा ऑप्शन करके पैराग्राफ जो दो बचता है उसमें हम लोग ये सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि बार बार जितनी बार अगर बताया जाए आपको कि कैसे पैराग्राफ हम लोग लाते हैं स्क्रीन पर, कैसे टेक्स्ट लाते हैं, तो आपके लिए आसान होगा। तो इक्वल टू रैंड स्मॉल ब्रैकेट शिफ्ट के साथ और इंटर, टेक्स्ट आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके टॉपिक्स को देखिए, यानी स्टेप्स को देखिए। सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू विश टू अप्लाई वर्ड आर्ट इफेक्ट। तो आइए हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये कर ले,
फॉर्मेटिंग ज़्यादा नहीं, माउस नहीं है यहाँ पे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बस चलिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइन सेलेक्ट किए हैं। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप देखिए, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। तो हम लोग इंसर्ट टैब में क्लिक कर लेते हैं, टैब जानते हैं ना यहाँ पे है, हो गया। उसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन वर्ड आर्ट ऑप्शन, चूज़ द डिजायर इफेक्ट क्विक स्टाइल ग्रुप। तो यहाँ पे वैसे आपका ये देख रहा है टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ग्रुप है, और ये रहा आपका वर्ड आर्ट, देख रहे हैं आप लोग। अगर आप जिस पे क्लिक करोगे ठीक है, वो आपका वर्ड आर्ट अप्लाई हो जाएगा। तो वर्ड विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स योर टेक्स्ट अप्लाई स्टाइल टू द टेक्स्ट। चलिए हम लोग कोई भी अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा ये है, देखिए हम लोग जितना सेलेक्ट किए थे उतना चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप और भी सारे वर्ड आर्ट्स को ले सकते हैं। देखिए ये वर्ड आर्ट करते ही हमारा फॉर्मेट, एक नया टैब जो है फॉर्मेट टैब, वो अपने आप आ गया। तो यही होता है फॉर्मेट टैब, ठीक है। अब देखिए वर्ड आर्ट, आप लोग देख रहे हैं, ये शेडो वाला वर्ड आर्ट है, ये भी शेडो वाला है, नीचे उसका छाया दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। ये देखिए बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का होता है। ये देखिए ये ऑरेंज है, ये आपका एक्वा है ट्रांसपेरेंट, और ये है आपका, मैं सबका नाम बताती हूँ, वाइट है बारमेट वेवल इसका नाम है, और इसका नाम है ग्रेडियंट फील ब्लू, ठीक है। और ये है फील वाइट ग्रेडियंट आउटलाइन, और ये देखिए ये फील ब्लू ट्रांसपेरेंट है, ये आपका टैन है और टेक्स्ट टू है। तो इस प्रकार से सबका जहाँ जहाँ आप प्लेस कीजिएगा वहाँ वहाँ इसका, और ये सब तो हम आपको दिखाए हैं ऐसे, और क्लिक करिएगा तब अप्लाई होगा। मान लीजिए इस पर क्लिक कर दिए तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वर्ड आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग है ये वर्ड आर्ट, ठीक है। स्टाइलिश वर्ड आर्ट भी आपको इसमें मिलेगा बहुत सारा, है ना, जैसे यहाँ पे मोर है, ये सारा यहाँ पे इसको कीजिएगा, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये है टेक्स्ट का इफ़ेक्ट, ये आप लोग कल पढ़ेंगे, शेडो रिफ्लेक्शन ग्लो, ठीक है। ये सब आप कल देखेंगे, वैसे कुछ देर के लिए इस पर रख के छोड़ दीजिए, देखिए कैसा चेंज होगा, क्लिक कर दीजिएगा ये हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह आप लोग कल पढ़ेंगे, ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रही थी टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है ना, ये आप कल पढ़ेंगे। इसमें लगभग 6 ऑप्शन है, शैडो है तो शैडो का पार्ट देखिए इतना है ना, और उसके बाद है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसके बाद है ये ग्लो, ग्लो का ये आप देख रहे हैं, ग्लो आपके स्क्रीन पे भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद ये बेवल है, और बेवल का ये सारा ऑप्शन है, उसके बाद ये 3D रोटेशन है, ये भी यहाँ पर इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें आप क्लिक कीजिएगा वो अप्लाई होगा। उसके बाद ये है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लेके अप्लाई कर सकते हैं।
आज के क्लासेस को हम यहीं पे स्टॉप करना चाहेंगे, ठीक है? और अगले दिन आप लोग देखेंगे टेक्स्ट इफेक्ट, और भी इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आप लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के क्लासेस में अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगा हो, समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं और यही मैसेज करें कि आप लोग को क्या ऑप्शन समझ में नहीं आया। जैसे कि आप टॉपिक समझे ना, आप लोग क्या किए आज, अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल किए, जिससे हम लोग हेडिंग चेंज करते हैं, क्रिएट अ न्यू स्टाइल किए, ठीक है? इससे आप लोग हेडिंग और जो भी टेक्स्ट आप जहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे वो चेंज होगा। तो और इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, तो ये तीन टॉपिक हुआ आपका। तीनों में से आप जिसको आप नहीं समझे उसका नाम लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा, अगले दिन उसी का लैब होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।